हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी और बेसन का लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले हम पैन चढ़ा लेंगे और हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे आधा कप सूजी। डालने के बाद हम इसे भूनेंगे जब तक सूजी का हल्का कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं सूजी का हल्का कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इसे उतार लेंगे और हम इसे दूसरा बर्तन में रख लेंगे और फिर हम पैन चढ़ा लेंगे और अब हम इसमें फिर डालेंगे घी 1/4 कप। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन 1 कप और इसे भी हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भुना चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी जो हम भून के रखे थे। सूजी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए हम इसे 2-3 मिनट भूनेंगे। आप देख सकते हैं इसमें से घी छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये दोनों अच्छे से भुना चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे मलाई 3 बड़ा चम्मच। डालने के बाद फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे लगभग 7-8 मिनट पकाएंगे अच्छे से। हमारा मिक्सचर बन चुका है, अब हम इसे उतार लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर कैसा दिख रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी पाउडर। डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम बनाएंगे लड्डू। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है छूने लायक, तो अब हम बनाएंगे लड्डू। लड्डू बनाने के लिए हम मिक्सर थोड़ा सा हाथ में ले लेंगे, जितना बड़ा लड्डू हमको बनाना है। हम इसे हाथ से दबाते हुए गोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं हम कैसे गोल कर रहे हैं, ऐसे ही आप भी गोल लड्डू बना ले। ऐसे ही हम सारा लड्डू बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लड्डू बना है, कहीं भी फटा नहीं है, एकदम परफेक्ट लड्डू बना है। तो आप भी ऐसे ही सूजी और बेसन का लड्डू बनाएं। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। ये लड्डू सभी को बहुत पसंद आएगा, आप एक बार घर में बनाकर जरूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मेड विथ लव।